माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू तो बच्चों जैसा कि वादा किया था कि फर्स्ट फ्लाइट का भी हम एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल करेंगे और आज हम करने वाले हैं पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हर एक चैप्टर के थोड़े से मैंने ज्यादा कर दिए हैं टेन से हमने फिफ्टीन पर ले लिए हैं तो हर एक चैप्टर के हम फिफ्टीन फिफ्टीन क्वेश्चन करेंगे ताकि हम एक आइडिया लग सके कि क्वेश्चन कि किस तरह से बीच बीच से बन सकते हैं so, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अ लेटर टू गॉड चैप्टर जिसमें लेंचो के बारे में है जो कि एक फार्मर है और वो गॉड से जो है आ, पैसे मांगता है और उसको पैसे मिलते हैं और जिसको उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा फेथ होता है उसके उसको गॉड के ऊपर कि हाँ गॉड मेरी जरूर हेल्प करेंगे और उसको पैसे मिलते भी हैं लेकिन थोड़े से कम मिलते हैं जिस वजह से वो पोस्ट ऑफिस के लोगों को एक बंच ऑफ क्रूक कहते हैं और इस तरह से वो एक अपनी जो भगवान के प्रति जो उसका विश्वास था उसको दिखाया गया है इस चैप्टर में तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला दे रखा है क्वेश्चन वॉट लेंचो होप फॉर लेंचो को किस चीज की आशा थी अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप उसको अपने क्रॉप के लिए एक अच्छे आ, शावर की एक अच्छी बारिश की जो जरूरत थी वो उसको उसकी आशा थी ऑप्शन दो है न्यू मोटरसाइकिल न्यू मोटरसाइकिल की थी ना एक ट्रैक्टर की थी नफ नहीं ऑप्शन ए इज राइट आंसर कि उसको एक अच्छी बारिश की जो आशा थी अपनी क्रॉप के लिए तो लेंचो सेटिस्फाई right क्यों हुआ था ऑप्शन ए ऑन अ न्यू ट्रैक्टर इन फील्ड नया ट्रैक्टर देखकर उसको अपने खेतों में नहीं ऑन न्यू बफेलो बफेलो को देख कर के? नहीं ऑन द फील्ड ऑफ राइट विद फ्लावर्स यस ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप राइप कॉर्न जो थे वो कॉर्न की खेती करता था उसको देख करके उसके फ्लावर्स को देख करके उसको खुशी हुई कि हाँ इस बार जो है फसल अच्छी होगी तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिड लेंचो नीड मनी लेंचो जो था उसको मनी की नीड क्यों थी वाई ऑप्शन ए टू बाय अ ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर खरीदना था उसके लिए नो टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर यस ये हो सकता है अपनी फैमिली को हंगर से सेव से करने के लिए ऑप्शन सी टू बाय अ न्यू फोन नो टू न्यू बफेलो नो तो ऑप्शन सी बी इज अ राइट आंसर टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन क्या किया पोस्ट मास्टर ने

कि उसने डिसाइड किया कि हम मली मनी को कलेक्ट करेंगे और उसको किसको भेजेंगे लेंचो को भेजेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो किसने रेड किसने रीड किया था लेंचो द्वारा भेजा गया जो लेटर था उसको किसने रीड किया था ऑप्शन ए उस, उसकी वाइफ ने हिज वाइफ ऑप्शन बी द पोस्ट मास्टर ऑप्शन सी वन ऑफ द फार्मर या ऑप्शन डी द गॉड तो उसको किसने रीड किया था द पोस्ट मास्टर ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड गॉड लेटर टू गॉड के ऑथर का नेम क्या था जी एल ऑप्शन बी जे के राउलिंग ऑप्शन सी है विलियम शेक्सपियर या फिर डी है रोल्ड डेल सो राइट आंसर जिसको पता होगा बिल्कुल पता ही होगा सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन ओ ओ वॉट इज द आयरनी इन दिस लेसन सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए तभी आप ऑप्शन समझ पाओगे तो आयरनी का मतलब होता है विडंबना जब हम किसी दुविधा में पड़ जाते हैं विडंबना ये या ये इस तरह की चीजें होती है उसको कहते हैं आयरनी वॉट इज द आयरन इन इन दिस लेसन इस लेसन की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी ऑप्शन ए लेंचो वॉज सेट आफ्टर दिन इवन, इवन दो ही वेटिंग फॉर द शार लग रहा है ये भी विडंबना ही है पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम कि उसके लिए अरेंज कर देता है नेक्स्ट है ऑप्शन सी ब्लेम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु फैक्ट हेल्प हिम तो देखो सबसे बड़ी विडंबना ये तो उसकी विडंबना नहीं थी ना ऐसा नहीं था ना भाई विडंबना मतलब कि जो चीज समझनी चाहिए वो चीज ना समझ के हम गलत चीज समझ जा रहे हैं वो विडंबना हो जाती है कि यार बहुत बड़ी विडंबना में फंस गया हूं तो वो जिसमें आप फंस जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता है सही गलत क्या है वो वाली चीज आपको यहां यहां से दिख रही है यहां तो वो दिखाया है कि भाई उसने हेल्थ हो गए थे जबकि उसने एक अच्छी बारिश की ये तो एक प्रॉब्लम है जो उसके साथ फेस हुई थी उसको तो ये विडंबना नहीं है पोस्ट मास्टर उसके ऊपर हंसा था फिर उसने उसके लिए हेल्प की थी तो ये भी विडंबना नहीं दिख रही लेकिन हाँ ये है कि लेंचो जो है वो उन्हीं पोस्ट पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उन्हीं पर ब्लेम कर रहा था जबकि वो उसकी क्या कर रहे थे हेल्प कर रहे थे सो so, यहां से बड़ी विडंबना ये वाली है तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट

सबसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ही वॉज टू सैड टू एक्नोलेज इट वो सैड वाली चीज तो नहीं थी ये तो रॉन्ग है ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड उसका बहुत ज्यादा भगवान पर अटूट विश्वास था हाँ ये बात तो सही है ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन नहीं ऐसा तो नहीं था नैन ऑफ अबव नो फेथ वाली बात जो है वो हमको बिल्कुल समझ में आ रही है सो बी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेज पोस्ट मास्टर कितनी मनी अरेज कर पाया हंड्रेड पैसोस निल थाउजेंड पेसोस या फिर सेवेंटी पेसोस तो मांगे तो उसने कितने थे हंड्रेड लेकिन पोस्ट मास्टर जो है वो सेवेंटी पेसोस ही अरेंज कर पाया सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई टू लेंचो लेटर लेंचो के लेटर को पोस्ट मास्टर ने रिप्लाई करना क्यों जरूरी समझा बिकॉज ही वॉज अ गुड मैन वो एक अच्छा मैन था इसलिए He felt empathetic, empathetic यानी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो सोच रहा था कि यार इसके लिए कर दें यानी एक क्या बोलते हैं सदभावना टाइप ये थोड़ा सा संवेदना टाइप की हाँ यार इसके लिए थोड़ी सी सिंपथी दे देते हैं इसको ठीक है सांत्वना जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक यानी सांत्वना टू प्रिजर्व लैचोज फेथ इन गॉड वो भगवान का विश्वास जो को भगवान पे विश्वास था उसको बनाए रखना चाहते थे या ऑल ऑफ दी अबव तो पढ़ने से आपको सारे सही लगेंगे कि गुड मैन जैसे आपने फर्स्ट पढ़ा अरे यार और गुड मैन सही है लेकिन हमको सारे ऑप्शन देखने हैं उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो देखना है तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि वो भगवान के ऊपर जो उसका विश्वास था उसको बनाए रखना चाहता था उसको प्रिजर्व करके रखना चाहता था इसीलिए उसने उसकी हेल्प की थी और उसको रिप्लाई भी किया था सो सी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमियबल मैन वॉट इज द मीनिंग ऑफ द एमएबल एमएबल का मतलब क्या होता है भाई फैट था एमियबल था तो एमल का मतलब होता है जो खुश मिजाज जो अच्छा खासा हसी खुशी वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है तो रूड था नहीं हेल्पफुल था नहीं फ्रेंडली था यस एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली मतलब अच्छा खासा मतलब उससे बात करके ऐसे कोई डरने वाली चीज ना लगती हो ऐसा खड़ूस टाइप का नहीं हो सो सी इज अ राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर लेंचो ने कितनी मनी मांगी थी हंड्रेड पैसो थाउजेंड पैसो टेन पैसो या फिर हंड्रेड so right तो मांगी थी बट पोस्ट मास्टर कितने अरेंज कर पाया था सेवेंटी पैसोस तो ध्यान रखना इसमें सेवनटी पैसोज भी ऑप्शन आ सकता है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि लेंचो ने कितने मांगे थे ओके okay? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर वॉट वॉज द ओनली होप हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली लेंचो की फैमिली के पास कौन सी एक आखिरी उम्मीद रही थी तो सबसे पहला है ऑप्शन ए कंपनसेशन गवर्नमेंट गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिल जाएगा तो ऐसा तो कुछ चैप्टर में पड़ा नहीं था हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन फार्मर के एसोसिएशन से हेल्प मिल जाएगी नहीं हेल्प फ्रॉम गॉड हा गॉड से मिल सकती है यह था देर वॉज नो होप लेफ्ट नहीं ऐसा कुछ नहीं था हेल्प फ्रॉम गॉड ये वाली होप जो थी उनके पास एक आखिरी उम्मीद थी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर द फील्ड फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन जो है वो ऐसे दिख रही थी मान लो कवर हो रखी है कैसी ऑप्शन ए सॉल्ट यानी कि नमक जैसी ऑप्शन बी लोक्टस यानी कि जो टिड्डियां होती हैं उससे ऑप्शन सी शुगर या फिर ऑप्शन डी आइस तो यहां पर राइट right आंसर क्या होगा जब वो हेल्थ लगे थे जब हेल्थ पूरी तरफ से पूरा कवर कर लिया था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मान लो सॉल्ट है तो अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ये बात ध्यान आ जाएगी कि हाँ सॉल्ट की तरह ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ पूरा नमक ही नमक भरा हुआ है तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ठीक है तो ये था चैप्टर नंबर वन लेटर टू गॉड बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर कौन सा चैप्टर है नेल्सन मंडेला कौन सा है चैप्टर बताया ना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं तो अच्छे से चैप्टर को आपको करना है क्वेश्चन नंबर वन हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज करेज का मीनिंग उन्होंने क्या बताया है ऑप्शन ए ट्रायम्स ओवर फीवर किस पर भाई फीवर पर जीत करनी है उसे बोलते हैं ट्रायम्स ओवर लव लव के ऊपर जीत हासिल करनी है ट्राइफ ओवर सेल्फिशनेस सेल्फिशनेस के ऊपर जीत हासिल करनी है या ट्राइम ओवर पुअरिटी गरीबी पर करनी है तो उन्होंने बोला था कि courage का meaning क्या होता है डर के ऊपर जीत हासिल करना सो ट्राइम ओवर फीवर सॉरी फीय फीवर बोल रही हूँ फीयर ठीक है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस सेरेमनी कहां पर हुई थी वेरी इंपॉर्टेंट रॉक स्टोन एम्फी थिएटर में ऑप्शन बी सैंड स्टोन ऑप्शन सी ग्लास स्टोन या ऑप्शन डी नन ऑफ द सेंड स्टोन सैंडस्टोन थिएटर ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एस्टिंग्विश्ड उन्होंने क्या बोला कि वो फ्लेम चिंगारी हमेशा हिडन रहती है बट नेवर स्टिंग एस्टिंग मतलब कभी भुजती भुजती नहीं है ठीक है भुजती नहीं है वो क्या है मैंस लव नेचुरल वे मैं गुडनेस या फिर मैन ऑफ दब तो लव के बारे में नेचुरल वे के बारे में कहा गुडनेस यानी अच्छाई जो है वो कम हो सकती है उसकी फ्लेम लेकिन कभी भी बुझ नहीं सकती है भाई देखो कोई इंसान कितना ही क्रूर क्यों ना हो कितना ही ज्यादा क्रूल क्यों ना हो बट अगर वो अंदर से अच्छा है तो उसकी अच्छाई कभी ना कभी दिख ही जाती है और वही चीज नरअसल मंडेला ने भी बताई है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर विच डे वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रैशनल गवर्नमेंट कब वो दिन था वो कौन सा दिन था तो ऑप्शन ए नाइन्थ में ऑप्शन बी टेंथ में ऑप्शन सी इलेवेंथ में या ऑप्शन डी ट्वेल्थ में सो में इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है उसके मिनरल्स उसके लोग उसकी टेक्नोलॉजी या फिर तो भाई किसी भी कंट्री की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो वहां के लोग हैं लोग ही आगे जाकर के कंट्री को बहुत अच्छा बना पाते हैं तो मिनरल से कुछ नहीं होगा लोग अच्छे होने चाहिए सो इट्स पीपल ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट डज डेप्थ ऑफ ट जो गहराई है किसकी उत्पीड़ना की उस उत्पीड़ना की गहराई ने क्या क्रिएट किया क्या निकाला क्या आया सो so, सबसे पहला ऑप्शन एप्शन बी हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स एक अच्छे अच्छे कैरेक्टर उभर कर आए गरीबी आई या लैक ऑफ फ्रीडम आई तो भाई जब कोई किसी को बहुत ज्यादा उत्पीड़ना देता है बहुत ज्यादा तकलीफ देता है तो उससे एक अच्छा कैरेक्टर निखर कर आता है आता है ना हम जब जा, जितने ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं हम उतनी ही अच्छी पर्सनैलिटी बनकर आते हैं क्योंकि कंफर्ट जोन में अगर हम होते हैं तो क्या होता है हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम लिमिटेड चीजें ही कर पाते हैं लेकिन अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ से हमको प्रॉब्लम आती है तो हम उन प्रॉब्लम से फेस करते करते कब एक अच्छे से निखर के आ जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है ठीक है तो यही चीज यहां पर भी दिखती है तो जितना ज्यादा जिस बच्चे को लेविशनेस लाइफ मिली होती है वो उतना नहीं कर पाता है बजाय कि वो बच्चा अच्छे से कर पाता है जिसके पास बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं और वो उसी से ही बेस्ट करने की तैयारी करता है तो हमेशा अपने आप को कैसा रखना चाहिए थोड़ा सा तकलीफों में रखना चाहिए अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन में मत रखा करो अपने आप को नहीं तो आपको एक करेज नहीं आएगा उस चीज को आगे करने में हिम्मत नहीं आएगी तो ये चीज ध्यान रखना जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में होंगे उतना ज्यादा आप बैकफुट होते चले जाओगे मतलब पीछे की तरफ चलते जाओगे ठीक है सो बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 ओहो क्वेश्चन नंबर 7 हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्रीडम कौन जो है मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम फ्री नहीं है ठीक है तो ऑप्शन ए ऑप्रेशन ऑप्शन बी ऑप्रेस्ड ऑप्शन सी बोथ ए एंड टू ए एंड वन व्हेन वन और टू ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव तो भाई अकॉर्डिंग टू द मंडेला की फ्री कौन नहीं है जो उत्पीड़ना दे रहा है वो जो उत्पीड़ना कर रहा है वो दोनों ही चीजें जो हैं क्या है भाई जो उत्पीड़ना दी जा रही है और जो उत्पीड़ना दे रहा है मतलब जो तकलीफ हो रही है और जो तकलीफ जिसके द्वारा दी जा रही है दोनों ही चीजें जो हैं फ्री नहीं है क्यों क्योंकि जो गलत करता है ठीक है जो गलत करता है वो भी कही कहीं ना कहीं अपनी चीज का गिल्ट जो है उसके अंदर होता है और जिसके लिए वो कर रहा है वो उसके लिए तो उसको हो ही रहा है मतलब जो कर रहा है वो तो गलत है ही लेकिन जो करने वाला है जो जिसके ऊपर कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं गिल्ट में होता है तो हमें कभी भी गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने साथ भी कुछ ना कुछ गलत कर ही रहे हो तो अगर आपको कहीं लगता है ना कि मैंने इसके साथ गलत नहीं किया है तो वहीं पर ही अपने आप को स्टॉप कर लो कि नहीं ये चीज अगर मेरे को फील हो रही है दैट मीन्स मैं गलत हूं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट डेला ज्वाइन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पार्टी जो है मंडेला ने ज्वाइन की थी ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑप्शन बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऑप्शन सी नेशनल अफ्रीकन पार्टी या ऑप्शन डी ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी तो उन्होंने कौन सी की थी ए एन सी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन वर्ट रियलाइजेशन डेट मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम बॉयहुड फ्रीडम के अकॉर्डिंग मतलब जब वो बॉय थे तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या रियलाइज किया था कि फ्रीडम क्या होती है ऑप्शन ए इट इज जस्ट एन इल्यूजन उसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या थी कि फ्रीडम होना बच्चों के मतलब छोटा हो बच्चा हो बॉय हों तो उसके लिए फ्रीडम वही थी कि भी कहीं भी जाओ कुछ भी करो वो फ्रीडम है ही वॉज बॉर्न फ्री फ्रीडम वॉज मैंट फॉर किड्स नहीं ऐसा कुछ नहीं था ही हैड नो रियलाइजेशन उसको रियलाइजेशन कुछ नहीं था उसको यह था कि हाँ भाई मैं फ्री हूँ बच्चा हूँ कहीं भी जा सकता हूं तो ये उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या था एक इल्यूजन था यानी एक भ्रम था सही वर्ड बोले तो भ्रम था वो उसके लिए ठीक है तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन वाई वर टू नेशनल एंथम संघ दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए ऑप्शन ए टू एम्प्लायूनिटी यूनिटी को बताने के लिए ठीक है ऑप्शन बी है टू मार्क द एंड ऑफ द रैशनल डिस्क्रिमिनेशन रैशनल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग भेद वाला जो भेदभाव किया जाता है उससे रिलेटेड ऑप्शन सी टू मार्क द एंड ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तो बात ही नहीं हुई थी बोथ वन एंड टू हां ये दोनों सही लग रहे हैं सो डी इज अ राइट आंसर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन की ओर वॉट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज करेज के बारे में मंडेला ने क्या सीखा इट इज एब ऑफ फियर ऐसा तो नहीं था उन्होंने कहा था कि absence of fear नहीं होता है हमको वर्ड पढ़ के तो लग रहा है लेकिन ये नहीं है ऑप्शन इट इज ट्राइम ओवर फ्यर फियर सॉरी मैं फीवर क्यों बोल रही हूँ फियर इट इज द ट्राइम ओवर फियर फियर से फिर फियर के ऊपर डर डर के ऊपर जीत हासिल करना ये है यस बोथ वन एंड टू नो ये शायद ऑप्शन काफी बच्चे सही सोच रहे होंगे बट उन्होंने ये बोला था इट इज ऑफ फियर मतलब डर आ, डर का ना होना उसे करेज नहीं कहते हैं डर के ऊपर जीत हासिल करना अगर आप ऐसे बोल रहे हो मेरे को तो इससे डर नहीं लगता उसको हम करेज नहीं बोलेंगे करेज होता है कि डर है और उस डर के बाद आप उसके ऊपर जीत हासिल कर रहे हो उस डर को भगा रहे हो तो वो आपकी जीत है ठीक है जैसे आपको इंग्लिश में डर लगता है तो उसको ओवरकम करके उससे आगे आओ वो आपके लिए करेज ना कि अरे इंग्लिश तो डर नहीं लगता ठीक है होगा होगा फेल हो जाएंगे हो जाएंगे ऐसे नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इफेक्ट डिड द ऑफ ट्वेल्वेंटेड एंड ब्रुटेलिटी हैड क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ था जो बहुत डिक्केट से दशकों से जो उत्पीड़ना हो रही थी जो ब्रुटेलिटी यानी जो गलत व्यवहार किया जा रहा था उससे क्या इफेक्ट पड़ा था क्रिएट मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज विजडम एंड जर्नसिटी तो उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन क्रिएट हुए थे ठीक है बुद्धि आई थी जर्नसिटी आई थी यस ये तो बात सही है ये तो थी पुअर्टी एंड सफरिंग हमें गरीबी भी देखने को मिली थी हमने बहुत सारी परेशानियां भी झेली हाँ ये भी हुआ था बॉयकआउट फ्रॉम फॉरेनर नेशंस ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था ऐसी कोई बात ही नहीं थी बोथ टू एंड थ्री नहीं इससे क्या होगा ऑप्शन ए जो है वो सही लग रहा है क्योंकि पुअर्टी तो थी लेकिन उससे ये चीजें नहीं आई थी ना क्या इफेक्ट पड़ा था तो इफेक्ट ये पड़ा था इसको था। क्योंकि अगर यहां पे वन और टू होता तो हम ऑप्शन ले लेते लेकिन अब वन और टू दे नहीं रखा है हमको ऑप्शन टू और थ्री दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा तो हमारे लिए सही आंसर क्या होगा ये वाला होगा ठीक है हाँ अगर यहाँ पे वन और टू दे रखा था ना तब हम इसकी तरफ इसके लिए भी चले जाते क्लियर तो यहां से कौन सा है ऑप्शन ए

अमानवीय सा सोसाइटी में जो वर्ल्ड जो जिसको दिखाया जा रहा है वो स्ट्रक्चर जो है उस किसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा पता चलेगा रेशियल अगेंस्ट द ब्लैक स्किन ये तो कर ही रहे थे वो लोग है ना ब्लैक स्किन के ऊपर no, दूसरा है पुअरटी एंड सफरिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर पुअर के बारे में कुछ नहीं था ऑपरेशन ऑफ वुमेन ऐसा भी नहीं था किसी वुमेन के ऊपर ही वुमेन नहीं वुमेन है ना वुमेन के ऊपर ही uh, किया जा रहा है उत्पीड़ना तो ऐसा भी नहीं था सफरिंग में नहीं लेकिन हा ये ज्यादा जो स्ट्रक्चर था ये सबसे ज्यादा हो रहा था ठीक है कि ब्लैक स्किन जो है उनके लिए रेशियल वाली रंग भेद वाली नीति जो है वो अपनाई जा रही थी सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द स्पेक्टुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट वॉज डिस्प्ले ऑफ जो जेट थे वो क्या डिस्प्ले कर रहे थे क्या दिखा रहे थे मिलिट्री का प्रिसीजन यानी कि मिलिट्री का जो यथार्थ है जो उसका स्पष्टता है उसको दिखा रहे थे कि मिलिट्री उनके साथ है हाँ ऐसा तो था मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी मिलिट्री जो है उनकी आ, जो लॉयल्टी है वो दिखाई जा रही थी भाई शो ऑफ थोड़ी किया जा रहा था लॉयल्टी दिखाई जा रही थी हाँ ये भी था नन ऑफ दी अबाउ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था यस बोथ वन एंड टू इज अ राइट आंसर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वॉट वॉज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम जो कहा, कहा जा रहा है कि जो नेशन है उसको आवश्यकता थी लिबरेटेड फ्रॉम किसकी पुअर्टी की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की की या ऑल ऑफ दी यस लिबरेट मतलब होता है है आजाद ना किस चीज की उनको आजादी चाहिए थी किस चीज की नेशन को जरूरत थी किस चीज की उन, उनको आजादी चाहिए थी तो पुअर्टी यानी कि गरीबी से हाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऐसा भाई भेदभाव जो है उससे रिलेटेड है या जेंडर ना नहा दूसरा ऑप्शन आना चाहिए था जेंडर ना आकर के यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए था वो ज्यादा सही होता ऑप्शन ठीक है हम इसके ऑप्शन को चेंज कर देते हैं डेप्रीविएशन यानी कि जो जो त्रासदी हो रही है जो नीचे की तरफ हमारी जिंदगी जा रही है जो कमी होती जा रही है उससे रेलटेटी यस डी इज अ राइट आंसर ऑल ऑफ दी डी इज अ करेक्ट ऑप्शन ठीक है यहां पर कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर टू अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर थ्री की ओर जो कि क्या था एक स्टोरी थी जिसमें दो दो स्टोरी थी द ब्लैक एरोप्लेन और फर्स्ट फ्लाइट वाला ठीक है तो उसी को देखते हैं और उसी से रिलेटेड हमारी बुक का नाम भी है पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नेक्स्ट थ्री यहां से शुरू होता है चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर थ्री क्या है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्लाइंग से रिलेटेड दो स्टोरीज थी जिसमें एक तो हमने सी गर्ल की स्टोरी सुनी थी समझी थी जिसमें हम एक सी गर्ल जो है यंग सी गर्ल जो अफ्रेड होता है डरता है फॉर फ्लाइंग के लिए तो उससे रिलेटेड हमने ये स्टोरी समझी थी और नेक्स्ट जो थी द ब्लैक एरोप्लेन एक मिस्ट्री स्टोरी थी जहां पर एक एरोप्लेन जो था वो फर्स्ट जाता है स्ट्रॉन्ग में और उसको एक और दूसरा एरोप्लेन जो है वो उसे हेल्प करता है बट कुछ होता नहीं है वो खुद की खुद की उसकी आ, एक एक्सपीरियंस होता है उसका खुद का एक आत्मविश्वास होता है जो उसको उस तूफान से आगे निकाल देता है तो दो चैप्टर्स हमने कवर किए थे इसमें तो इसी से रिलेटेड चैप्टर थ्री है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाई वॉस द एरोप्लेन आजकल एरोप्लेन नहीं बोला जाता एयरप्लेन बोला जाता है ठीक है द एयरप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर ट्विस्ट क्यों कर रहा था मतलब ऐसे ऐसे हिल क्यों रहा था ऑप्शन ए है एज इट वॉज डार्क नाइट क्योंकि अंधेरा था तो अंधेरा हो चाहे उजाला हो प्लेन तो अपने हिसाब से चलता ही है बट ये ऑप्शन तो सही नहीं है ठीक है सो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है क्स्ट देखते हैं इट वॉज एज इट अ वॉजी नाइट यस तूफानी नाइट थी तो वो बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन हमें सारे पढ़ने चाहिए ऑप्शन क्या पता कुछ और ऑप्शन आ जाए बीच में ड्यू टू लाइटनिंग लाइट की वजह से नहीं नन ऑफ होगा नहीं सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पर वॉट वॉज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल रूम पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करने का पर्पज उद्देश्य क्या था ऑप्शन ए टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक एयर ट्रैफिक के बारे में जानने के लिए ऑप्शन बी टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट रूट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए जानने के लिए ऑप्शन सी टू नो द डिटेल्स अबाउट द लैंडिंग लैंडिंग की डिटेल्स के लिए या फिर ऑप्शन डी नैन ऑफ दब तो देखो यहां पर एयर ट्रैफिक से रिलेटेड तो ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है डायरेक्शन से रिलेटेड हम हमेशा पूछते हैं कि अब कहां पर लेना है जब उसने बोला था कि ईस्ट की तरफ या कहीं जिस तरफ आपको डायरेक्शन लेनी है So, उसके रिलेटेड उसने ये जरूर चीजें पूछी थी सो डायरेक्शन ऑफ द रूट इसके लिए उन्होंने पैरिस कंट्रोल रूम को कॉल किया था क्वेश्चन नंबर द सीगल एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड यानी कि बहुत ज्यादा परेशान और थका हारा सा क्यों हो चुका था सीगल ड्यू टू रनिंग फास्ट रनिंग करने की फास्ट फास्ट रनिंग करने के चक्कर में ऑप्शन बी ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज एक अजीब तरीके की एक्सरसाइज करने की वजह से ऑप्शन सी ड्यू टू क्राइंग रोने रोने की वजह से एग्जॉस्टेड हो गया था या यान ऑफ आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर वॉट वॉज सी गर्ल अफ्रेड ऑफ डर क्यों रहा था किसके लिए सी गर्ल डर रहा था रनिंग के लिए स्विमिंग के लिए फ्लाइंग के लिए या फिर नन ऑफ दब तो पता ही है भाई सी फ्लाइंग के लिए क्वेश्चन नंबर फाइव हु गिव्स यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश पीस ऑफ फिश यानी फिश का एक टुकड़ा किसने यंग सीगल को दिया था ऑप्शन ए ब्रदर सीगल ऑप्शन बी मदर सीगल ऑप्शन सी फादर सीगल या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव सो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने उसके लिए एक पीस ऑफ फ्रेश जो है फिश जो है वो उसके लिए लेकर आई थी ताकि वो उसके चक्कर में डाइव लगाए और वो उड़ना सीख जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पायलट वॉज नॉट द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग पायलट जो है वो कुछ नहीं कर पा दोनों ठीक है, है वो चैप्टर जो दोनों पार्ट है दोनों से मिक्सड क्वेश्चन आते रहेंगे तो पायलट वाला ब्लैक एरोप्लेन uh, से रिलेटेड क्वेश्चन है द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग क्या नहीं कर पा रहा था वो किस चीज में वो सक्षम नहीं हो पा रहा था ऑप्शन ए सी मतलब देखने में ऑप्शन बी हियर सुनने में ऑप्शन सी स्पीक में या ऑल ऑफ याब तो वो कुछ देख नहीं पा रहा था ठीक है सो सी इज अ राइट आंसर हियर स्पीक तो ठीक है लेकिन देख ही तो नहीं पा रहा था वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कहां जाना है किस तरफ जाना है क्वेश्चन नंबर सेवन वाई डिड द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पैरिस क्यों नहीं पायलट जो है उसने टर्न कर लिया अपने एरोप्लेन को वापस बिकॉज He wanted to meet his family. क्या वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था He wanted to go on a holiday. हॉलीडे पर जाना चाहता था He did not want to miss the breakfast. Breakfast को miss नहीं करना चाहता था या option D he did not like Paris. क्यों वो को पसंद नहीं करता तो ये option तो बिल्कुल गलत है बाकी हमको option सही लग सकते हैं लेकिन exactly question में जो line exactly जो chapter में line कही गई थी वो ये कही गई थी कि वो अपनी family के साथ breakfast करना चाहता था उस चीज को वो miss नहीं करना चाहता था So right answer is

सो राइट आंसर है कि सबसे पहले उसका जो कंपास था ना जिससे हमको डायरेक्शन पता चलती है वो उसका बंद हो गया था उसके बाद धीरे-धीरे बाकी सारी चीजें जो हैं वो भी जो सिग्नल है वो भी कम उनसे भी नहीं मिल रहा था तो सबसे पहले कंपास जो था वो आ, मतलब काम करना बंद कर दिया था सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसलिए सारे ऑप्शन जरूर पढ़ा करो क्या पता कुछ और निकल कर आ जाए ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट कौन सा फूड जो है मदर सीगल लेकर आई थी यंग सीगल के लिए अर्थ होम्स लेके आई थी कीड़े लेके आई थी ऑप्शन बी फिश लेकर आई थी ऑप्शन सी इंसेक्ट्स लेके आई थी या ऑप्शन डी रोडेंट्स लेके आई थी सो उसकी मम्मी जो है वो फिश का लेकर आई थी एक पीस अ पीस ऑफ फ्रिश फिश ठीक है सो बी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन वॉट वॉज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट क्या जो है पायलट किस चीज के लिए सॉरी नहीं था ऑप्शन ए मिसिंग हिज अपने को मिस करने के लिए सॉरी नहीं था ऑप्शन बी ड्राइविंग द प्लेन इंटू द स्ट्रॉम स्ट्रॉम में ड्राइव करने के लिए वो सॉरी नहीं था रिस्क द लाइफ ऑफ फेलो पैसेंजर्स बहुत सारे इसके साथ जो पैसेंजर्स थे उनकी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए वो सॉरी नहीं था या ऑप्शन डी बोथ टू एंड थ्री तो देखो मिसिंग द मिसिंग हिज वो तो आप छोड़ ही सकते हो क्योंकि ऐसा चीज नहीं है हाँ उसको ये था कि जो उसने आ, जो ड्राइव किया था उसके लिए वो सॉरी नहीं था उसको पता था भाई तूफानी है फिर भी उसको थम जाना चाहिए था ना लेकिन उसको था कि नहीं मुझे निकलना है तो इस चीज के लिए तो वो सॉरी था ही नहीं सेकेंड थिंग रिस्क द लिव्स इन ऑफ द फेलो पैसेंजर्स और जो बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ थे उसने उस चीज उस चीज को भी नहीं सोचा कि भाई मेरे साथ बहुत सारे पैसेंजर्स हैं तो मैं कैसे है ना इन सबकी लाइफ जो है रिस्क में डाल रहा हूं इन दोनों चीजों के लिए वो सॉरी नहीं था सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बोथ टू एंड थ्री ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक पायलट ने कौन सी रिस्क ली ऑप्शन ए फ्लाइंग बैक टू पैरिस पैरिस जाने के लिए रिस्क ली मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर मिस किया उसने अपनी जो ब्रेकफास्ट था उसकी डिजायर जो उसकी जो इच्छा थी उसको मिस किया उसने ऑप्शन सी ही टुक नो रिस्क उसने कोई रिस्क नहीं ली थी ऑप्शन डी फ्लाइंग हिज ओल्ड फ्लाइंगा स्ट्रेट इंटू द स्ट्रॉम उसने कौन सी ली थी यही उसने एक रिस्क ली थी कि उसने अपने जो ओल्ड ढकोटा को है कहा लेकर गया सीधा स्ट्रॉम्स में लेकर चला गया मतलब तूफान में उसको लेकर गया तो ये बहुत बड़ी रिस्क थी उसके लिए सो डी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन के बाद ट्वेल्व विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे किस कंट्रोल स्टेशन को वो कॉन्टेक्ट कर रहा था जब वो उस वे में जा रहा था उस रास्ते में जा रहा था ऑप्शन ए पेरिस ऑप्शन बी इंडिया ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी ही डिड इंट कॉन्टेक्ट एनी उसने किसी को कॉन्टेक्ट नहीं किया तो उसने पेरिस कंट्रोल रूम पेरिस कंट्रोल रूम ये हम सुन भी रहे थे उस चैप्टर में सुन तो क्या रहे थे पढ़ रहे थे सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू पायलट जो है वो कहा से कहा को जा रहा था ऑप्शन ए इंग्लैंड फ्रांस ऑप्शन बी इंग्लैंड इंडिया ऑप्शन सी फ्रांस फ्रांस इंग्लैंड या ऑप्शन डी फ्रांस इंडिया सो राइट आंसर इज फ्रांस इंग्लैंड ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिड वे वाइल्ड गिविंग हिम द फिश उसकी मम्मी जो है यंग सीगल की जो मम्मी है वो स्टॉप हो गई थी मिडवे में बीच में ही क्यों हो गई थी जबकि वो तो देने गई थी क्या फिश देने गई थी अपने बेटे को लेकिन वो बीच में ही क्यों स्टॉप हो गई ऑप्शन ए शी वाज मैड एट हिम वो उससे ज्यादा उससे गुस्सा थी मैड मतलब ऐसे नहीं पागल थी उसके ऊपर मतलब उसके उसके लिए उसके ऊपर गुस्सा थी इसलिए रुक गई ऑप्शन बी टू तो पुश हिम टू तो फ्लाई आउट ऑफ हंगर वो उसको पुश करना चाहती थी अपनी भूख के लिए कि हाँ भाई वो आगे आए और वो अपनी भूख के लिए बढ़कर के उस चीज को सीखे फ्लाइंग करना सीखे शी नॉट वॉन्ट टू गिव हिम द फिश वो फिश नहीं देना चाहती थी अगर ऐसा तो आती ही नहीं शी गॉट टायर्ड वो थक गई थी उड़ते उड़ते इसलिए बीच में खड़ी हो गई नहीं सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर भाई भूख को वो बढ़ते भूख अपनी भूख के चक्कर में वो उसको फ्लाई कर फ्लाई करता इसीलिए वो बीच में ही खड़ी हो गई नेक्स्ट है द साइट ऑफ मैड इन हिम कौन सा दृश्य जो है वो उसको पागल बना रहा था हिज ब्रदर्स फ्लाइंग उनके उसके जो भाई थे वो उड़ रहे थे वो चीज उसको पागल कर रही थी सिबलिंग्स एंजॉय विदाउट हिम उसके सिबलिंग्स जो हैं वो उसके बिना एंजॉय कर रहे थे मतलब उसके जो भाई बहन थे वो उसके बिना एंजॉय कर रहे थे इसीलिए ऑप्शन सी फूड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ फूड जो है भूख जो है उसने उसको पागल बना दिया था ना? उसको भूख बहुत ज्यादा लग क्योंकि एक दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया था उस भूख के लिए वो बिल्कुल पागल हुए जा रहा था ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर तो यहाँ फूड भी आ सकता है फिश भी आ सकता है कुछ भी ऑप्शन आ सकता है तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर थ्री कंप्लीट होता है मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फोर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनए फ्रेंक जहां पर एन ए फ्रेंक के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन वॉट वॉज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट कौन सा जो सब्जेक्ट था जिसके ऊपर वो लिख रही थी सो ऑप्शन नंबर ए इज नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग ऑप्शन बी नेसेसिटी ऑफ रनिंग ऑप्शन सी नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग एंड ऑप्शन डी नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग तो किसकी आवश्यकता है भाई बोलना जो है एक जरूरत है वो इस चीज को वो दिखा रही थी सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एन एन को किस टॉपिक पे लिखने को दिया गया था सो ऑप्शन ए माय डायरी ऑप्शन बी अ चैटर बॉक्स ऑप्शन सी अ लेटर बॉक्स ऑप्शन डी नन ऑफ दी अ चैटर बॉक्स बी इज अ राइट आंसर

एन इज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन जो था वो उसका लंबे समय तक फ्रेंड रहा ऑप्शन ए हर पेन ऑप्शन बी हर कैट ऑप्शन सी हर डायरी और ऑप्शन डी हर डॉग सो उसकी डायरी जिसको उसने नाम दिया था किटी वही उसका बेस्ट फ्रेंड था ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डज शी वॉन्ट टू बिगिन हर डायरी उसने किस तरह वो क्या लिखना चाहती थी क्या उसने शुरू किया मतलब किस चीज से उसने शुरुआत की लिखने की सो ऑप्शन ए बाय राइटिंग हर नेम नेम अपना लिख कर के उसने शुरुआत की ऑप्शन बी बाय गिविंग इंट्रोडक्शन उसने एक इंट्रोडक्शन देकर के शुरुआत की ऑप्शन सी बाय राइटिंग अबाउट हर हॉबी अपनी हॉबी के बारे में लिखना उसने शुरू किया या नन ऑफ दी अबव सो देखो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे हमने पढ़ा था कि किटी जो उसकी डायरी थी उसने उसको एक फ्रेंड की तरह कंसिडर किया तो जैसे हम एक फ्रेंड से मिलते हैं तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उसी तरह से उसने किटी ने उसने भी अपनी डायरी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया आपने बारे में बताया सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपको यह भी सही लग सकता है बट ये वाला बिल्कुल सटीक है क्योंकि इंट्रोडक्शन ही दिया था उसने सबके घर सब वालों के सबके सब बारे में बताया था उसमें सो बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट बाय मिस्टर किसिंग क्लास इन हर डायरी वो कौन सी डेट थी जिसमें एन ने रिकॉर्ड किया था वो दृश्य वो जो इंसिडेंट जो घटना हुई थी मिस्टर किसिंग के साथ जो उसने उस डायरी में, में मेंशन की थी वो कौन सा दिन था ऑप्शन ए ट्वेल्थ ट्वेल्थ जून 1942 ऑप्शन बी ट्वेंटी जून 1942 ऑप्शन सी ट्वेंटी जून 1942 या ऑप्शन डी ट्वेंटी जून 1942 सो राइट आंसर इज ट्वेंटिथ जून 1942 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन इन विच सिटी वर एन एंड मार्गेट मार्गेट कौन थी वो उसकी सिस्टर थी टू लिव थीर देयर ग्रैंड मदर के साथ उनको भेजा था रहने के लिए सो so, सो भेजा था ऑप्शन so, ए है बर्लिन ऑप्शन बी है आकेन एंड ऑप्शन सी है मंची एंड ऑप्शन डी है बॉन तो मंची नहीं है मंची नहीं है यस yes. अगर ये आंसर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी जो है वो राइट right आंसर होगा देखो आ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत अलग है या जिसको मैं बहुत है क्योंकि ये हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कहाँ से आ गया और अगर आप लाइन को पढ़ोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा कि वो मार्गेट और उसकी जो सिस्टर थी सॉरी मार्गेट और एन ए जो थी दोनों को भेजा गया था अपनी दादी के पास रहने के लिए सो वो कहाँ था आकिन था आप वर्ड देखोगे तो मिलेगा और कहाँ पर है ये जर्मनी में है ठीक है सो ये बहुत अलग क्वेश्चन है बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हु ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनएस फैमिली एनए की फैमिली से कौन जो था सर्वाइव कर रहा था बाकी सब मर चुके थे डेथ सबकी डेथ हो चुकी थी तो उसमें से एने थे एने के फादर थे एने की मदर थी या एने की सिस्टर थी सो so, लास्ट था एने के फादर उन्हीं को एने की जो डायरी थी वो मिली थी फिर बाद में जाकर वो पब्लिश हुई थी सो so लास्ट में जो उन सर्वाइव uh, करने वाले उनकी फैमिली में जो थे वो थे उनके फादर क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मेनी डिड कितने मेब्स थे तो एने का ओनली वन सिब्लिंग था जो कि उसकी सिस्टर थी मार्गेट बाकी ये ऑप्शन तो गलत है सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन वॉट नेम वॉज हर बुक पब्लिश विथ उसकी जो उसके नाम से जो बुक पब्लिश हुई थी वो कौन सी थी आपके बुक में जो चैप्टर है डायरी ऑफ एने फ्रेंक ये शायद हम सही लगा सकते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ऑप्शन सी है एने फ्रेंक या फिर ऑप्शन डी है डायरी अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर भी सही लगाओगे और जल्दबाजी की तो क्वेश्चन का आंसर आप रॉन्ग टिक कर दोगे पूछा क्या है वॉट नेम वॉज हर बुक पब्लिश्ड विद उसकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो किस नाम से पब्लिश हुई थी देखो आपके बुक में जो चैप्टर दे रखा है वो किसी बुक से लिया गया है तो वो बुक कौन सी थी वो थी बुक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ठीक है जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा इसके बारे में सो बी इज द राइट आंसर ये बुक थी और इस बुक से आपके बुक में जो चैप्टर आया हो ये चैप्टर का नाम ये है तो बुक का नेम ये है ओके तो ध्यान से करना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन वट डिड शी राइट इन हर लास्ट ऐसे उसने अपने लास्ट ऐसे में किसके बारे में लिखा था एक पोम के बारे में एक जोक के बारे में एक पैराग्राफ या फिर एक फनी पोम सो एक फनी पोम थी डकलिंग की। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वॉज द अनएबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स जो उसके पास ऑलरेडी जो फ्रेंड्स थे जो मौजूद थे फ्रेंड उनमें वो उतनी ज्यादा क्यों नहीं हो पा रही थी क्लोजर क्यों नहीं हो पा रही थी उनसे

सी इज़ द राइट आंसर वो अपनी पर्सनल थिंक जो है वो उनके साथ शेयर नहीं कर पाती थी क्वेश्चन नंबर थर्टीन वॉट शोज एन इज लव फॉर हर ग्रैंड मदर उसकी मम, उसकी जो ग्रैंड मदर हैं जो उसकी दादी थी उनके लिए वो किस तरह से अपना प्यार शो करती हैं ऑप्शन ए शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर वो अभी भी उनके बारे में सोचती है ऑप्शन बी शी मिसेज हर वो उनको बहुत ज्यादा मिस करती हैं ऑप्शन सी शी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन वो उनका बर्थडे जो है बहुत लिटिल सेलिब्रेशन के साथ करती है या फिर बोथ वन एंड टू तो देखो वो अभी भी उनके बारे में सोचती है शी मिसेस हर फ्रेंड मिसेस हर ये तो ठीक है लेकिन उसने आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो उन्होंने बहुत छोटे से सेलिब्रेशन के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था मतलब उन्होंने अपना बर्थडे जो है बहुत लिटिल सेलिब्रेशन के साथ किया था जिसमें उन्होंने अपने दादी के लिए जो है कैंडल्स लगाई थी सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर वॉट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटर्न बाय किस लैंग्वेज में ओरिजिनली मतलब वास्तव में किस लैंग्वेज में वो डायरी लिखी हुई थी बाद में उसका ट्रांसलेट हुआ था लेकिन एक्चुअल में कौन से में थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो स्पेनिश था इंग्लिश था डच थी या फिर फ्रेंच थी तो उनकी जो लैंग्वेज थी जिसमें वो था एक्चुअल में वो डायरी वो थी डच लैंग्वेज में फिर बाद में उसका ट्रांसलेशन किया गया बहुत सारी लैंग्वेजेस में लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ हर वो उसे परेशान क्यों थे मिस्टर किसिंग जो है वो क्यों परेशान थे एने से शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट नहीं ऐसा कुछ नहीं था शी वॉज टॉकेटिव यस शी वॉज रूड नो ऑल ऑफ दबाउट नो बी इज द राइट आंसर शी वॉज टॉकेटिव बहुत ज्यादा बोलती थी इसीलिए वो उसे परेशान थे यहां पर कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर फोर मूविंग टू द नेक्स्टर चैप्टर फाइव चैप्टर नंबर फाइव द हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट वन जिसमें पेट्रॉन uh, की इन सभी के बारे में हमने पढ़ रखा है चलिए शुरू करते हैं वाई डज वा से दैट शी है हंड्रेड ड्रेसेस Venda ने ऐसा क्यों कहा था कि भाई मेरे पास जो है हंड्रेड ड्रेसेस क्योंकि उसके पास थी इसीलिए उसने कहा, अदर गर्ल्स दूसरी गर्ल्स को काउंटर आंसर देने के लिए मतलब जवाब देने के लिए इसलिए उसने कहा था ऑप्शन सी शी लव टू रेंट वो लव करती थी मतलब इन सब चीजों के लिए या फिर मैन ऑफ अबव राइट आंसर इज कि वो काउंटर कर रही थी दूसरी गर्ल्स को मतलब जवाब दे रही थी इसलिए उसने भी कहा कि हाँ, है मेरे पास भी हंड्रेड बोलो अब क्या करोगे वेंडा so, right दूसरी गर्ल जो थी वो वेंडा को किस तरह से ट्रीट करती थी वेंडा वो वेंडा के ऊपर मजाक नहीं करती थी बाकी की जो गर्ल्स है उनके बारे में कह रहे हैं शी लाइक वेंडा अलॉट वेंडा को बहुत ज्यादा पसंद करती थी शी हेटेड वेंडा वेंडा वो Wanda को बहुत ज्यादा हेट करती थी या नन ऑफ न तो इन सब के बारे में तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था हाँ लेकिन ये लाइन जो है ये जरूर सही है क्यों क्योंकि बाकी की गर्ल्स के लिए नहीं बताया था सिर्फ पैगी और मैडी के बारे में ही बार बार दिखाया जाता था, था कि वो उनका बहुत ज्यादा फन करती है उसके ऊपर बट बाकी गर्ल्स के बारे में कभी भी ऐसा नहीं बताया कि भाई ये गर्ल भी थी या वो गर्ल भी थी ऐसे बहुत सारी गर्ल्स या पूरी क्लास ऐसा कुछ नहीं बताया था सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वाई मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग मैडी जो है वो पीछे की तरफ खड़ी होती थी और कभी भी कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि she was herself victim, क्योंकि वो खुद ही एक विक्टिम थी मतलब खुद भी एक दुखियारी थी ऑप्शन बी बिकॉज ही हैव करेज क्योंकि उसके पास साहस नहीं था बोलने का पैगी को कि यार मत छेड़ इसको मत कर परेशान इसको तो बिल्कुल ये बात तो सही लग रही है बिकॉज ही डूज वो चाहती नहीं थी सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी बोलने की इसीलिए वो अंदर से फील करती थी कि वेंडा के साथ जो हम कर रहे हैं जिस तरह से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं वो एक बैड तरीका है एक बैड मैनर है लेकिन वो कभी भी इस चीज के लिए साहस नहीं दिखाती थी कि वो पैगी को बोल सके क्योंकि उसको, उसको लगता था कहीं ये मेरे ऊपर ही ना उल्टा पड़ जाए सो बी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर हु सीक्रेटलीसलाइक हाउ वा वॉज बींग ट्रीटेड कौन जो है चुपके चुपके से इस चीज को पसंद नहीं करता था कि वेंडा के साथ किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है सो ऑप्शन ए पैगी ऑप्शन बी सेसिल ऑप्शन सी मैडी या ऑप्शन डी जैक राइट आंसर कौन है भाई मैडी है क्योंकि कहीं ना कहीं मैडी को लगता था कि जो वेंडा के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है उसको अंदर ही अंदर से लगता था गंदा लगता था अच्छा नहीं लगता था सो मैडी इज अ राइट आंसर

ये था इसम ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन वाई डिड पैगी से एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ वाई डिड पैगी ऐसा क्यों कही ऐसा उसने क्यों कहा एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ कि हां ये जो है ड्रॉ हो सकता है शी शी मेडल ऑलवेज क्योंकि वो हमेशा मेडल जीती थी इसलिए उसने बोला बिकॉज वेंडा वर अमेजिंग वेंडा की जो ड्रॉइंग थी वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी डा कु्रॉ बेटर या वो ये सोचती थी कि वेंडा जो है वो और अच्छा ड्रॉ कर सकती है अच्छा ड्रॉ कर सकती हूँ लेकिन यहाँ पर कोई और है जिसने बहुत अच्छा ड्रॉ किया है तो वो क्या चीज सोच करके उसने कही थी वो वेंडा की ड्रॉइंग को देख करके कही थी क्योंकि वेंडा की ड्रॉइंग जो थी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी तब उसने कहा कि मैं सोचती थी, थी कि मैं ही ऐसा कर पाती हूं लेकिन वेंडा ने बहुत अच्छी ड्राइंग ड्रॉ की है सो बी इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन कांटेस्ट हु डिड किसने सोचा कि सॉरी हु डिड मैडी थिंक मैडी ने क्या सोचा कि भाई कौन जो है कॉन्टेस्ट को जीतेगा ए वेंडा बी मैडी सी पैगी या फिर डी नन ऑफ तो उसने सोचा था ना भाई पैगी ही जीतेगी हर बार पैगी ही अच्छी ड्राइंग करती है सबको लगा था कि पैगी जीतने वाली है लेकिन जीत कौन गई थी वेंडा क्वेश्चन नंबर इलेवन वॉट डिड द ड्रॉइंग एंड द कलरिंग कॉन्टेस्ट मीन ऑफ मीन ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज गर्ल्स और बॉयज को क्या कॉन्टेस्ट दिया गया था सो ऑप्शन ए डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोट्स ऑप्शन बी डिजाइनिंग इंटीरियर्स एंड बाइक ऑप्शन सी डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड बाइक्स ऑप्शन डी डिजाइनिंग इंटीरियर एंड मोटर बोट्स, तो राइट आंसर है डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोट्स, ठीक अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई वेंडा को टीज करने के लिए ऑप्शन ए वेंडा यूज टू लाई अबाउट द ड्रेसेस क्योंकि वो झूठ बोल रही थी अपने ड्रेसेस के लिए ऑप्शन बी वेंडा डिजर्व डिजर्व इट कि वेंडा इस चीज को डिजर्व करती है ऑप्शन सी पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल एंड कुडंट डू एनी और ऑप्शन सी है कि पैगी जो है वो सबसे बेस्ट लड़की है और वो कभी भी जो है कुछ रॉन्ग नहीं करती है या फिर ऑप्शन डी बोथ वन एंड टू भाई वन और टू तो देखो वापस से ऐसे क्वेश्चन फिर से एक बार जरूर पढ़ना ताकि आपको समझ में आए कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं जल्दबाजी में वीजन डेड मैडी गिव हर सेल्फ मैडी ने अपने आप को क्या रीजन दिया था अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई जो वैंडा को टीज किया जा रहा है तो अब जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम जब किसी को टीज करते हैं और हमारा साथ जो जो हमारा साथी है वो टीज कर रहा है हम भी उसके साथ खड़े तो कई बार हमारे मन में अगर आता है कि यार नहीं करना चाहिए लेकिन फिर क्या करते हैं हम हम अपने आप को जस्टिफाई करते अरे हाँ यार सही तो कर रहे हैं उसने उसके साथ ऐसा ऐसा भी तो किया था तो ऐसी चीज मैडी अपने आप को कैसे जस्टिफाई कराती है कि यार हाँ जो भी वेंडा के साथ हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है तो पहला तो उसने ये सोचा था कि भाई यार ना देखो भाई वेंडा तो झूठ बोल रही है उसके पास हंड्रेड ड्रेसेस तो है नहीं अगर होती तो वो ब्लू फेडेड ड्रेस फ्रॉक नहीं पहनकर आती तो एक चीज तो उनको ये लगी फिर दूसरा उसको ये लगा कि हाँ वेंडा अगर झूठ बोल रही तो वो यही डिजर्व करती है यही चीज उसने अपने आप को बोली थी

कितने शूज जो है वेंडा ने कहा कि हाँ मेरे पास भी हैं जब गर्ल्स करती थी अच्छा बताओ, कितनी, अच्छा बताओ कितने है। तो उसने काउंटर में कुछ कुछ नंबर्स बताए थे राइट तो आंसर 10, so right हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्सटी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट टेल्स यू दैट पैगी वॉज क्रूल किस चीज को आप दिखा सकते हो कि पैगी जो थी वो क्रूल नहीं थी क्रूर नहीं थी निर्दयी नहीं थी सो ऑप्शन ए है प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस जो छोटे बच्चे थे जो उनको कोई बच्चा बुली और कोई बच्चा बुल करता था तो उससे प्रोटेक्ट करती थी ऑप्शन बी कुडेंट स्टैंड एनिमल्स गेटिंग मिसट्रीटेड कभी भी खड़ी नहीं होती थी सॉरी कोडेंट स्टैंड एनिमल्स गेटिंग मिसट्रीटेड कभी भी खड़ी नहीं होती थी एनिमल्स के लिए जब भी कोई एनिमल्स को ट्रीट करता था मिसट्रीट करता था उसके लिए डि नॉट मेक वेंडा क्राई और कभी भी वेंडा को क्राई रुलाना नहीं चाहती थी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दब तो देखो फर्स्ट दो मुझे सही लग रहा है कि प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस जो छोटे बच्चे थे उनको बुली करने से बचाती थी कुडेंट स्टैंड एनिमल गेटिंग मिस्ट्रीटेड कभी भी नहीं खड़ी होती थी कि भाई आ, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो जो बच्चे जो एनिमल्स को मिसट्रीट करते हैं उनके लिए कभी नहीं खड़ी होती थी तो खड़ी होती थी तो ये चीज देखो अब ऐसे वाले क्वेश्चन ऐसे वाले जो लाइन होती है ना वो उसमें आप थोड़ा चक्कर खा जाओगे क्यों एक तो यहां पे नेगेटिव बोल दिया एक यहां पे इसका ऑपोजिट बोल दिया ऐसा होता ना कुड स्टैंड एनिमल्स गेटिंग मिसट्रीटेड तो यहां पर ये क्या कह रही है Couldn't stand. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था ऐसा नहीं होता था कि वो जब एनिमल को मिसट्रीट किया जा रहा है तो वो ना खड़ी हो ऐसा बोला जा रहा है इस लाइन से तो ये भी सही है एनिमल्स जब कोई और वो वेंडा को कभी क्राई नहीं करना चाहती वो बस उसके साथ फन करती थी उसको लगता था कि मजाक है लेकिन वो ये नहीं समझ रही थी कि कहीं ना कहीं वेंडा इससे हर्ट हो रही है और वो उसके साथ बहुत कहीं ना कहीं गलत करी अपने मजाक के चक्कर में तो वो रुलाना नहीं चाहती थी सिर्फ उसके साथ मजाक करती थी मतलब बैड मैनर में नहीं करती थी लेकिन कहीं ना कहीं किसी को चुड़ाना एक बैड तरीका ही होता है हम सोचते हैं हम फन के लिए कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को उससे बहुत सारी तकलीफ भी हो सकती है सो डी इज अ राइट आंसर ऑल ऑफ दी ठीक है सो डी आप इसको सही करेंगे सारे ही आंसर सारे ही ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वाई डिड दे वेट फॉर वेंडा दे मीनस पैगी और के लिए कहा है कि वो वेंडा का वेट क्यों करती थी They were friends क्योंकि वो उसकी दोस्त थी? नहीं to make fun of her, ये सही है. वो परवाह करती करती थी. थी. वो वो उनको नहीं. मजाक करने के लिए उसका मजाक उड़ाने के लिए खड़ी रहती थी सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर फाइव बढ़ते हैं चैप्टर नंबर सिक्स की ओर वो भी हंड्रेड ड्रेसेस का पार्ट नंबर टू है जहां पर अब वेंडा जो है चली गई है और वेंडा की तरफ से कुछ लेटर आता है और बाद में वो पैडी और मैगी जो है फील करते हैं कि हमारे फन की वजह से वेंडा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर सिक्स और चैप्टर नंबर सिक्स है द हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट टू जो कि इसी का सेकंड पार्ट है जहाँ पर वेंडा और चली जाती है फिर पैगी और मैडी को रियलाइज होता है कि हमने उसके साथ बहुत गलत किया है और फिर वेंडा का वहां से रिप्लाई आता है एक लेटर आता है जहां से उनको पता चलता है कि वेंडा उनको कहीं ना कहीं लाइक करती थी चाहे भले ही वो उनका उसका मजाक उड़ाती थी लेकिन वेंडा उनको पसंद करती थी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई कौन कौन जो है बहुत ज्यादा उत्सुक ठीक है एंशियस मतलब होता है उत्सुक था रिप्लाई के लिए पैगी मैरी मिस पेट्रॉन्स की या फिर डी मिस मैसन तो सबसे ज्यादा जो उत्सुक थी वो कौन थी मैडी ठीक है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर क्वेश्चन नंबर टू है हु फेल्ड हर सेल कावर्ड आफ्टर वेंडा लेफ्ट द स्कूल कौन जो है सबसे ज्यादा अपने आप को कावड़ मतलब कि कायर मानता है जब वेंडा जो है चली जाती है स्कूल को छोड़ के ऑप्शन ए पैगी ऑप्शन बी मैडी ऑप्शन सी मिस पिस्ट्रॉन पेट्रॉन्स की या फिर डी मिस मैसन तो मिस मैसन तो उनकी टीचर थी पैडी सॉरी मैडी जो है वो इस चीज को बहुत ज्यादा सोचती है कि यार मैंने वेंडा को इस तरह से ट्रीट किया मैं कहीं ना कहीं क्या हूं कायर हूं डरपोक हूं अगर मैं पैगी को के लिए रोकती तो शायद आज मैंडा नहीं जाती है ना सो ऑप्शन बी इज अट आंसर बढ़ते हैं क्या जो है सोच आती है उसके अंदर क्या वो सोचती है जब वो वो जाते हैं कहा बॉन्गन साइड में तो ऑप्शन ए टेल हर नो बडी वुड मेक फन ऑफ हर नेम ये कहने के लिए कि अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा ऑप्शन बी टेल हर दैट दैट हर नेचर वॉज वेरी रूड कि उनका नेचर जो है बहुत ज्यादा रूड था ऑप्शन सी टेल दैट शी कि वो बहुत ज्यादा गंदी दिखती है या ऑप्शन डी नन ऑफ नी अब तो वो ये सोच के जाती हैं कि भाई अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा तो प्लीज तुम अब स्कूल आ जाओ यही सोच करके जो है मेडी जाती है कहां पर जो जहां वो रहती थी साइड में हाइट में वहां जाती हैं क्वेश्चन नंबर फोर वर्ट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स की वैंडा के जो पापा है उन्होंने लेटर, लेटर जो भेजा था, उसमें क्या था वो क्या कह रहे थे ऑप्शन ए हिज डॉटर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर उसकी डॉटर जो है स्कूल कभी नहीं आएगी टू अप्रिशिएट द स्कूल स्कूल को अप्रिशिएट किया था उसने ऑप्शन सी रिगार्डिंग पुअर परफॉर्मेंस ऑफ हिस् चाइल्ड उसका चाइल्ड का पुअर परफॉर्मेंस था इसलिए या ऑप्शन डी नन ऑफ द तो उन्होंने अपने लेटर में कहा था कि उनकी बेटी जो है अब वो नहीं आएगी इस स्कूल में सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हु मिस मैसन मिस मैसन कौन थी मैथ्स टीचर इंग्लिश टीचर क्लास टीचर या फिर प्रिंसिपल तो so, वो थी उनकी क्लास टीचर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पैगीज ड्रॉइंग पैगी की ड्राइंग का कलर क्या था जब उसने ड्राइंग बनाई थी तो उसने दोनों के लिए पैगी और मैडी दोनों के लिए भी एक एक ड्राइंग मैम को बताया था कि ये ड्राइंग जो है पैगी को ये ड्राइंग जो है मैडी को दे देना तो पैगी के लिए कौन सा कलर था ड्राइंग का ए रेड ए बी ग्रीन सी ब्लू या फिर डी व्हाइट सो राइट आंसर इज ग्रीन ठीक है ग्रीन था पैगी की ड्रॉइंग का कलर क्वेश्चन नंबर सेवन वेंडाज हाउस वॉज वेंडा का हाउस जो था वो कहां था ऑन अ क्लिफ क्लिफ पर था ऑप्शन बी ऑन टॉप ऑफ अ हिल हिल पर था हिल की बिल्कुल चोटी पर था ऑप्शन सी बाय द रिवर या फिर ऑप्शन डी इन द फॉरेस्ट सो राइट आंसर इज ऑन टॉप ऑफ हिल यहां पर उसका हाउस था क्वेश्चन नंबर एट वट वॉज द डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस विच मेडी थॉट टू बी वेंडाज हाउस क्या जो है डिस्क्रिप्शन उसको लगा जब उसने जो वेंडर था उसके हाउस को देखा था तो लिटिल व्हाइट हाउस बिग व्हाइट हाउस स्मॉल ग्रीन कॉटेज या फिर टाइनी रेड हॉट तो राइट right आंसर है लिटिल व्हाइट हाउस था उसका घर ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट वाज मेडिस मेडिस रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग मैडी का क्या रिएक्शन था जब उसने ड्राइंग को रिसीव किया वो सैड थी हैप्पी थी एक्साइटेड थी या न्यूट्रल थी मतलब कुछ भी नहीं था ना हैप्पी थी ना सैड थी तो वो सैड थी जब उसने उसकी ड्राइंग को रिसीव किया तो वो सैड थी ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट वाज द टोन ऑफ वेंडास रिप्लाई वेंडा का रिप्लाई कैसा था फ्रेंडली था एंग्री था अनग्रेटफुल था या हेटरेट था तो राइट आंसर है फ्रेंडली था कुछ ऐसा उसने किसी के लिए बोला नहीं उसने सिंपल आंसर दिया था कि भाई ये वाला इसको ड्रेस दे देना फ्रेंडली दे बोला था वॉज मोर एंक्शियस फॉर अ रिप्लाई कौन सबसे ज्यादा उत्सुक था मैडी पैगी मिस मैसन या ऑल ऑफ दम तो मिस मैसन ये सब तो नहीं थे मैडी मेडी थी ठीक है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वॉट डिड दे राइट इन द लेटर लेटर में क्या लिखा उन्होंने भाई जब उन्होंने फिर रिप्लाई किया ना तो उन्होंने क्या लिख के भेजा अपॉलोजी लिखा भाई माफी मांगी बी हर ड्राइंग एंड दैट शी वॉन शी वॉन उन्होंने ड्राइंग के बारे में और ड्राॅइंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो जीत गई है वो बोला ऑप्शन सी आस्ट अबाउट न्यू सिटी न्यू सिटी के बारे में पूछा या बोथ टू एंड थ्री तो अपोलॉजी तो उन्होंने मांगी ही नहीं थी क्योंकि वो इस लेटर को फ्रेंडली दिखाना चाहती थी सो एंड इज अ राइट आंसर इसके हिसाब से ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर टू एंड थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन वॉट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी टेक मैडी ने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया ऑप्शन ए अनफ्रेंडिंग अनफ्रेंडिंग पैगी कि अब फ्रेंड पैगी से दोस्ती नहीं करेगी ये लिया ऑप्शन बी विजिटिंग वेंडा वेंडा के पास मिलने जाएगी ये डिसीजन लिया ऑप्शन सी स्टॉप अदर फ्रॉम बुलिंग दूसरे लोगों को बुली करने से वो रोकेगी या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग जो भी उसको बुली करेगा उन सब जो भी किसी को बुली कर रहा होगा वो उनको अब से रोकना शुरू कर देगी ये चीज उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया था सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट वॉज मेडी रिमाइंडेड ऑफ बाय हाउस को देख करके मेडी को क्या याद आया हाउ दे टीज हर कि वो किस तरह से उसको टीज करते थे हाउ शी कु ड्राइंग वेंडा की ड्राइंग देखी या फिर वेंडाज ड्रेस आयरन बट क्लीन या उसके हाउस को देख करके उसको यह लगा कि हाँ ये किस तरह से तो जब उसने उसका हाउस देखा तो उसको वेंडा की ड्रेस जो है वो दिखा है, वो समझ, वो दिखा समझ उसको वैसी लगी कि वेंडा की ड्रेस भले ही ब्लू थी मतलब भले ही पुरानी थी अन आयरन थी मतलब आयरन नहीं की हुई थी लेकिन हमेशा साफ सुथरी होती थी गंदी नहीं होती थी उसकी एक ही ड्रेस है लेकिन वो हमेशा क्लीन होती थी वैसे ही उसका हाउस था भले ही छोटा था टूटा फूटा था लेकिन साफ होता था सो ऑप्शन डी जी राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन वॉट डिड मैडी थिंक ऑफ हर सेल्फ आफ्टर द लेटर वॉज रेड आउट जब वो रीड करती है तो मैडी क्या सोचती है अपने मतलब अपने आप बारे में वो क्या बोलती है ग्रेटफुल लकी हीरो या फिर कावर्ड वो अपने आप को कावर्ड मानती है कि यार मैं क्या हूं कायर हूं अगर मैं सही टाइम पे बोल देती तो शायद आज जो वेंडा है वो नहीं गई होती सो so, यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर सिक्स बढ़ते हैं चैप्टर नंबर सेवन की ओर

ठीक है बी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू वाई वॉज राजीव एक्साइटेड राजीव क्यों एक्साइटेड था बिकॉज ही हैड बिकॉज बिकॉज ही हैड स्पॉटेड कॉफी गार्डन बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन बिकॉज ही हैड स्पॉटेड गार्डन या नन ऑफ है उसने क्या स्पॉट किया था तो उसने टी गार्डन जो है वो देखे थे और उनको देख करके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री विच प्लांटेशन इज अ पॉपुलर देयर सबसे ज्यादा कौन सा प्लांटेशन जो है वो पॉपुलर है टी प्लांटेशन कॉफी प्लांटेशन व्हीट प्लांटेशन या फिर नन ऑफ दी सो टी प्लांटेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट कवर्स थर्टी परसेंट एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडुगु कोडुगू का थर्टी परसेंट जो एरिया है वो किस चीज से कवर था ऑप्शन ए डिस फॉरेस्ट ऑप्शन बी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑप्शन सी माउंटेन्स ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव तो देखो हमें ये ऑप्शन तो पता चल ही गया है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट था वहां पर है ना और यही चीज हमको चैप्टर में भी मिली थी कुर्ग वाला, कुर्ग वाला जो चैप्टर है वहां से है ये उस वाले पार्ट से है डेसिडीज क्या होता है पतझड़ ठीक है इसका मतलब होता है पतझड़ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ पीस ऑफ हेवन पीस ऑफ हेवन किसे कहा गया है तो ऑप्शन यहां से दिख ही रहा है कुर्ग को कहा गया है मेरा मन है कुर्ग जाने का कभी मौका मिला तो जरूर जाऊंगी मैं भी क्वेश्चन फॉलोइंग मीन्स द सेम एज स्वीट स्मेल स्वीट स्मेल किसके लिए कहा गया है गुड मॉर्निंग के लिए लोवस के लिए फ्रेग्रेंसेस के लिए या फिर नन ऑफ अबव के लिए स्वीट so, स्मेल जो है वो कहा जाता है फ्रेग्रेंस के लिए ओके फ्रेग्रेंस ठीक है स्वीट स्मेल जब कोई चीज बहुत अच्छी प्यारी सी सूदिंग सी लगती है मस्त लगती है तो स्वीट स्मेल जो है वो किसके लिए कहा गया है फ्रेग्रेंस के लिए कहा गया है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय ब्रेकर्स बेकर्स के द्वारा क्या जो है टास्क डन किया गया बेक द लोव्स बेक द मॉड्यूल मोल्ड या फिर none of the above. So, loaves जो है वही इंपॉर्टेंट है Mod, और uh, क्या बोलते हैं? डो दो इंपॉर्टेंट है लोव्स ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन Why डू द एल्डर्स थिंक अबाउट their पास्ट अपने पास्ट के बारे में क्या कहते हैं दे मिस द गुड ओल्ड डेज वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं रिमेंबर देर बैड डेज अपने बुरे दिनों को याद करते हैं स्लो है, है उसके बारे में बोलते हैं गुड ओल्ड डेज पुराने वाले जो दिन है उनके बारे में बात की जा रही है सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन वेयर डिड राजीव एंड प्रॉन्जो स्टडी कहाँ स्टडी करते थे आसाम कुर्क गोवा या फिर डेली तो डेली इज द राइट आंसर दोनों डेली में स्टडी करते थे जहां पर राज प्रांजोल जो है वो आसाम सा, आसाम का ही था राजवीर जो है वो उसके साथ वैकेशन में घूमने गया था पढ़ते दोनों डेली में थे क्वेश्चन नंबर टेन वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश एंड स्प्राउटिंग पीरियड जून टू अगस्त अक्टूबर टू डिसम्बर मे टू जुलाई एंड ऑगस्ट टू नवंबर सो राइट आंसर इज मे टू जुलाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन इन यूरोप टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ अ डैश देन डैश ठीक है तो ये देन होता है कंपैरिजन के लिए और एक देन होता है जब हम बोलते हैं उसके बाद ये ये हुआ देन ये हुआ उससे रिलेटेड तो मेडिसिन के लिए मेडिसिन के लिए या फिर स्लीप बैनिशर या मेडिसिन के लिए सो राइट आंसर है यूरोप में जो है ट्री जो है मतलब ज्यादा ड्रंक की जाती है पी जाती है किस वजह से मेडिसिन देन ब्रेवेज ठीक है मतलब दवाई के रूप में जो है उसको लिया जाता है ब्रेविच के अकॉर्डिंग एज मोर एज मेडिसिन देन ब्रेविच ठीक है सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट ये ब्रेविच मतलब होता है पेय पदार्थ ठीक है जो भी हम पीने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनके लिए कहा जाता है बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज आसाम पॉपुलरली नोन एज सबसे ज्यादा आसाम जो है क्यों पॉपुलर है टी कंट्री के लिए कॉफी कंट्री के लिए ग्रीन कंट्री के लिए या प्लांटेशन कंट्री के लिए सो so,

रिवर का ट्रेवल करना या फिर गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन रोप रोप एक से जो है स्लाइडिंग डाउन नीचे की तरफ आना या फिर नन ऑफ दबाउ सो यहां पर गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप यही इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द क्लाइंब ऑफ द हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू अ पैरोमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ Good. ये लाइन जो है ये किसके लिए कही है ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी के लिए कही गई है हिमालय के लिए कही गई है नीलगिरी के लिए कही गई है या पार्वती के लिए कही गई है तो राइट आंसर हो जाएगा ए ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर ठीक है बड़े आगे यहां से शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर द दर और यहां पर ऑर्डर के बारे में है तो उस चैप्टर को शुरू करते हैं वॉट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डर बिलोंग्स टू कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल से बिलोंग करता है ऑटर सो ऑप्शन ए आपको एल्क मिल जाएगा ऑप्शन बी ग्रे या फिर ऑप्शन सी मस्टलिंस ये वाला जो ऑप्शन है ये हमने पढ़ रखा है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपैथी अपेथी का मीनिंग क्या होता है तो आपको ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन बी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ एनदर एंड ऑप्शन सी अनफ्रेंडली ऑप्शन डी रूड तो उसके लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एपेथी का मीनिंग क्या होता है तो एपेथी का मीनिंग होता है नॉट इंटरेस्ट ठीक है किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होना सो so, यही बात समझ में आ जाती है यहां से ये रहा एबसेंस ऑफ इंटरेस्ट किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है या जिसको हम हिंदी में कहते हैं उदासीन मतलब किसी चीज में मतलब मन ही नहीं लगना उसे कहते हैं हम एपैथी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट वर मिज फेवरेट टॉय मिज का फेवरेट टॉय क्या था ऑप्शन ए टॉय कार ऑप्शन बी मार्बल ऑप्शन सी सॉइल या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब तो उसका फेवरेट टॉय जो था वो था मार्बल ओके सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज स्टार्टिंग में बिगनिंग में ऑटर कैसा था फ्रेंडली था हॉस्टल था ऑप्शन ए ऑप्शन सी अलूफ एंड इनडिफरेंट सा था ऑप्शन डी सैड था सो so, सो वो थोड़ा सा था ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डिड द ऑटर ऑटर लुक लाइक का लुक जो था वो कैसा था स्मॉल डॉग जैसा दिखता था स्मॉल ड्रैगन जैसा था स्मॉल कैट जैसा था या स्मॉल रैबिट जैसा था तो स्मॉल ड्रैगन के जैसा वो दिखता था यानी बी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ द बॉक्स बॉक्स से क्या निकलना बहना शुरू हुआ था जूस ब्लड वॉटर या फिर पेंट तो शुरू हो गया था वहां से ब्लड निकलना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन वॉट डिड द वुमन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ऑटर वॉज किसने जो है क्या समझा था ऑर्टर को देख करके क्या सोचा था कि एक डॉग है एक ऑटर है एक चूहा है या एक सील है सो तो जब उन्होंने ऑर्डर हुए देखा तो उसको लगा कि कोई प्लेन में क्या आ गया है चूहा है सो so, रेड जो है वुमन वुमन जो है उन्होंने देख करके उसे रेड समझा था क्वेश्चन नंबर एट व्हाट वॉज द नेम गिवन टू द ऑर्डर ऑर्डर को क्या नेम दिया गया था मेजर मिजबिल मैड या फिर मेजिस सो राइट आंसर इज मिजबिल क्वेश्चन नंबर नाइन वेयर डिड द अरब कीप द ऑर्डर अरब जो है वो किसमें रखा था उन्होंने ऑर्डर को एक बॉक्स में एक बैग में एक सैक में या फिर एक इन पॉकेट में, सो so उन्होंने रखी था एक बोरी के अंदर वो ऑर्डर को लेकर आए थे क्वेश्चन नंबर टेन वॉट कैप्ट मिच इंगेज व्हेन दे शिफ्टेड टू लंडन किस चीज में इंगेज किया गया जब वो लंडन शिफ्ट हुआ था पेंग पॉंग गेम में चिल्ड्रन के साथ ऑथर के साथ याब ऑल ऑफ अबव तो एक पिंक पोंग गेम जो था उसमें वो उसको एंगेज रखते थे ताकि वो एंगेज रहता था ताकि वो आ, बाकी चीजों में मन लग सके उसका वॉट डू यू मीन क्या होता है ऑप्शन ए डिस्ट्रक्टिव हैबिट इसे कहा जाता है ऑप्शन बी गुड हैबिट को कहा जाता है ऑप्शन सी एडिक्टिव हैबिट को कहा जाता है या ऑप्शन डी बिट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल ऐसी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसे कहा जाता है तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होगा तभी आप बाकी मीनिंग समझ पाओगे तो कंप्लिस है, है ना कंपल्सरी से कंपल्सिव को आप समझ लेना तो जो चीज कंपल्सरी है जो चीज होनी ही होनी है उन आदतों को हम कहते हैं तो डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स यानी भेद मतलब अलग अलग करने वाली चीज नहीं नेक्स्ट है गुड हैबिट ये भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है एडिक्टिव हैबिट यानी जिसकी आदत लग जाए तो वो भी नहीं होगा ऐसी हैबिट जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते यानी जो कंपल्सरी है उन्हीं को हम कहते हैं सो so, यहां से ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वॉट डिड मिज डू टू द बॉक्स मिज जो है वो बॉक्स में क्या करता है मेड इट वेट उसको गीला कर देता है और ऑप्शन बी है टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स 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 की लाइनिंग को तोड़ देता है मतलब को फाड़ देता है ओवर टर्न इट ओवर टर्न कर देता है या ऑल ऑफ दी सो राइट आंसर इज टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स बी इज अ राइट आंसर बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की और चैप्टर नंबर नाइन मैडम राइट द बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो शुरू करते हैं वॉट अम्यूज वली द मोस्ट किस चीज ने वली को सबसे ज्यादा जो है मतलब खुश कर दिया था मजा आ गया था उसको उस चीज को देख करके तो था द साइट ऑफ बफेलो रनिंग रनिंग इन इन द द द द द फ्रंट फ्रंट ऑफ 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 बस साइट पीपल ऑन द बस डॉग रन कर रहा था या काउ तो उसने जो काउ जो थी जो उसकी बस के आगे भाग रही थी उस चीज को देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी सो दी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू वॉच डिड वाली डू वन फाइन स्प्रिंग डे वो क्या मतलब जो है एक स्प्रिंग डे पे क्या फाइंड करती है मतलब उसको क्या लगता है कि मुझे करना है कॉट द बस ऑफ द टाउन कॉट द बस टू विलेज कॉट द कार टू द टाउन एंड कॉट कार टू द विलेज तो देखो कार वाली चीज तो है नहीं बस जो थी वो था कॉट द बस टू द टाउन सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट डिड वली विश वली की विश क्या थी भाई बस राइड करना ही उसकी एक विश थी सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर हर फेवरेट फेवरेट टाइम टाइम उसका लुक इन टू द स्ट्रीट स्ट्रीट को देखना यह बात तो सही है पैसेंजर्स को देखना पैसेंजर्स को देखना लेकिन वो बस के लिए कहा गया था बैक डोर तो ये है ही नहीं ये भी नहीं है लेकिन हाँ वो स्ट्रीट में जो है गली में जो है देखती रहती थी क्या हो रहा है सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर वली इन द स्ट्रीट स्ट्रीट में सबसे फैसिनेटिंग क्या चीज दिखता था तो करटंस नहीं बस की करटे तो नहीं दिखती थी न्यू सीट ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम हा ये था न्यू ड्राइवर नहीं न्यू कंडक्टर नहीं सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट कंडक्टर कैसा था फनी था ग्रम्पी था क्वाइट था या फिर ऑल ऑफ दबाउ था तो वो फनी था मजाक करता था ना मैडम मैडम बोलता था उसको सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन वॉट वॉज द टाइमिंग टू ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकिंग टेकन बाय वलीज मदर वाले की मम्मी जो है उसके सोने का टाइम क्या था एक से तीन एक से चार दो से चार या फिर दो से तीन उसकी मम्मी बहुत सोती थी है ना एक से चार सोती थी उसकी मम्मी सो वन टू फोर और इसी के बीच में उसने प्लान बनाया था कि मैं जाऊंगी और ये सब चीजें करूंगी सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट वॉट वॉट सेड एंड वली वली जो है वो सेड क्यों हो गई थी डेड ऑफ काउ हाँ कार एक्सीडेंट हैंडी कैप पैसेंजर्स नहीं जब वो काउ को उसने जब डेड देखा था तो वो उस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट डज इट टेल यू अबाउट वली वैन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर ट्रीट कंडक्टर के ट्रीट को जो है उसने रिफ्यूज कर दिया था मना कर दिया था तो वो क्या रीजन था रिस्पॉन्सिबल थी स्टर्बन यानी कि जिद्दी थी रूढ़ थी या डिसरेस्पेक्टफुल थी तो वो क्या थी रिस्पॉन्सिबल थी जिम्मेदार थी इसीलिए उसने किसी अजनबी से कोई भी चीज लेने के लिए या बस से नीचे उतरने के लिए किसी भी चीज के लिए हेल्प नहीं मांगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन वॉट मेड नी द साइट ऑफ रनिंग काउ हा वुमन इंग्स नो ओल्ड मैन नो तो सबसे ज्यादा उसको हंसाया किसने उस काउ के भागने वाले जो दृश्य है उसने क्वेश्चन नंबर इलेवन वट डिड शी है राइड तो किस चीज की विलेज फेयर में उसने अपने आपको रजिस्ट किया मतलब अपने आप को रोका उस राइड के लिए तो so, क्या था बैलेंस था नो no. मैरी गो राउंड टॉय या फिर पेपरमेंट बाकी सब चीजों के लिए भी उसने किया था लेकिन जो विलेज का जो फेयर था मेरा था उसमें उसने मैरी गो राउंड जो है उस चीज को उसने रजिस्टर किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वाई डिड वली फाइंड द वुमन रिप्लोसिव वली जो है वो जो वुमन है वो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सी बेकार सी क्यों लग रही थी शी हैड लार्ज प्रसिंग एंड हर ईयर उसने बहुत मतलब बड़े बड़े उसने पैन रखे थे छेद करवा रखे थे वो बहुत ज़्यादा गंदे से उसने ईयर रिंग्स पहन रखे थे बहुत वो, वो च्यू कर रही थी बैटल और, और उसके बाद वो ऐसा लग रहा था कि कभी भी वो स्प्लिट होकर बाहर आ सकती है तो ये ये स्प्रिल होना ये सब चीज़ें उसको बहुत गंदा सा लग रहा था तो ये सारे ही रीजन से सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वॉट डिड द ओल्ड मैन से टू वली दैट एनॉयड हर कौन सी जो है सॉरी वॉट डिड द ओल्ड मैन जो है वो कहते हैं वली को जिससे वली परेशान होती है कि वो उसको शाउट करते हैं अलोन अलोन कहने के लिए, के लिए कहते हैं या बार बार उसको कहते हैं कि भाई बैठ जाओ बैठ जाओ तो कौन सी चीज उनको परेशान करती है तो ओल्ड मैन जब उसको बोलते हैं ना भाई बार बार बैठ जाओ बैठ जाओ वो चीज उसको बहुत ज्यादा अनोईड लग रही थी कि भाई ये बार बार क्यों बोल रहे हैं मुझे परेशान कर रहे हैं

विशफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन एंड ऑफ द बस वॉट इज द मीनिंग ऑफ द विच फुली तो विश फुली का मीनिंग क्या होता है कि भाई फियरफुली डर की वजह से केयरफुली मतलब जिम्मेदारी के साथ विलिंगली मतलब खुशी के साथ या फिर लॉन्गिंगली यानि लंबे समय तक वो इन सब चीजों को सुन रही थी भाई लोग क्या बोलते हैं कब कहते आते हैं कब जाते हैं सो राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन सॉरी यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर नाइन बच्चे कितने हैं अभी दो और चैप्टर लगे हैं उनको भी कर ही लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा चैप्टर बनारस से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर वन है वाई वॉस किसा गौतमी सैड कीसा गौतमी क्यों सैड हो गई क्योंकि उनका बेटा जो है वो डेड हो चुका था हर ओनली सन हैड डेड ये सही बात है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सब चीजें नहीं थी क्य सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू वेड बुद्धास्ट से कहा हरिद्वार बनारस चेन्नईयाटली बनारस इज अ राइट आंसर बी क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट इज द वर्ड एफ्लीकेटेड विथ एफ्लीकेटेड विथ किस मतलब इस वर्ड को जो है किसके साथ बताया गया है वॉट इज द वर्ड एफ्लीकेटेड विथ लव डिजीज एंड डिके या फिर of the above. तो और ये चीजों को किया गया है 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 के लिए लिए तो death and decay हो जाएगा जो उसके क्या डर कि समवन विल ईट देम या दे रॉट वो रोट हो जाएंगे खराब हो जाएंगे या फॉलिंग डाउन या of the above. तो हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर बताया था कि जो एक फ्रूट है वो भी गिर करके क्या हो जाता है मतलब जब पक जाता है तो गिर जाता है तो समझो उसकी भी अब लाइफ खत्म ही है सो सी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव वेयर डिड बुद्धा सेट बुद्धा कहाँ बैठे थे पीपल ट्री फिग ट्री मैंगो ट्री या फिर देवदार ट्री सो राइट आंसर इज ए पीपल ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स अकॉर्डिंग टू द बुद्धा वॉट इज एन इंस्क्रप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग तो ऐसा कौन सा है kind of things जो है जिसके लिए बुद्धा ने कहा है जो सफरिंग कर रहे हैं तो लॉस ऑफ लव सही बात है beating, मरने आ, मारने से नफरत करने से या वर्बल एब्यूज से तो सबसे ज्यादा जो है दुखी जो है लोग किसी अपने के खो जाने की वजह से होते हैं लॉस ऑफ समवन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन डू नॉट ग्रीव आर वो लोग जो हैं ग्रीव यानी कि दुख में नहीं होते हैं जो एरोगेंट होते हैं प्राउड होते हैं हैप्पी होते हैं या फिर वाइज होते हैं जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं ना बुद्धिमान होते हैं वो लोग जो हैं दुख में नहीं पड़ते हैं सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हु इज फ्री फ्रॉम सोरो दुख से कौन फ्री है हु ओवरकम सोरो जो दुख से बाहर आ चुके हैं जो नहीं जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है जो हैप्पी uh, रहते हैं या फिर हु गिव सोरो टू अदर जो दूसरों को दुख देते हैं तो यहां पर यही बात है भाई जो दुख से बाहर आ जाता है वो फ्री हो जाता है दुख से भाई दुख है हाँ ठीक है, है कोई बात नहीं लेकिन उस दुख के लिए बस बैठे रहना कि अरे मुझे दुख मिला है तो मैं दूसरे को दुख दूंगा तो वो तो दुखी तो और दुखी हो जाएगा ठीक है सो ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट डिड कीसा आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ क्या करना क्या करती है वो किसा जो है लोगों से क्या मांगने जाती है अपने बेटे की लाइफ के लिए मेडिसिन मनी डॉक्टर या फिर प्रेयर्स सो so वो सबसे पहले ही जाती ही मेडिसिन लेने के लिए है कि भाई मेरे बेटे के लिए क्या दे दो मेडिसिन दे दो सो ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन ही गॉड एनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज एनलाइटमेंट कब मिलता है बुद्धा को टेन डेज फिफ्टीन डेज या फिर सेवन डेज या फिर वन डेज तो सेवन डेज के बाद जाकर के उसको अध्यात्म ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति होती है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर द द द वाइज डू नॉट डैश नोइंग टर्म ऑफ वर्ल्ड जो बुद्धिमान होते हैं वो नहीं जानते हैं लाफ करना स्माइल करना ग्रीव करना या फिर ऑल ऑफ तो जो दुद्धिमानी लोग होते हैं वो दुख दुख जो है दुखी जो है उस दुख को नहीं जानते हैं सो so, ग्रीव इज अ राइट आंसर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वॉट डज कीसा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस कीसा जो है वो हर जगह पर घर 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 जो है क्या मांगने कर जाती है फर्स्ट प्लेस मतलब फर्स्ट पहली बार वो क्या मांगने जाती है मस्टर्ड सीड्स मांगने जाती है मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ या पंपकिन सीड्स मांगती है या फिर मैन ऑफ दब होता है सो so मेडिसिन जो है वो मांगने जाती है वो ठीक है हैंडफुल मस्टर्ड तो बाद में हुआ था, लेकिन फर्स्ट जो है वो हाउस टू हाउस मेडिसिन मांगने जाती है पावर ऑफ डैश क्या जो है जवान हो बुढ़ा हो द, फूल हो मूर्ख हो तो हो बुद्धिमान हो कैसा भी हो किस चीज जो है उस चीज के आगे वो सभी झुक जाते हैं तो वो है हमारी डेथ ठीक है डेथ किसी को देख कर नहीं आती है कि ये अमीर है गरीब है बुद्धिमान है बुद्धू है जिसको आने होती वो आई जाती है सो so, right जो light flicker कर रही थी वो उसको क्या रियलाइज कराती है शी इज बीस सेल्फिश कि वो बहुत सेल्फिश है डेथ इज कॉमन टू ऑल डेथ जो है सभी के लिए कॉमन है उसको समझ आ जाती है ऑप्शन डी इज राइट आंसर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है डिटेल तो बना बना में इसको लिख सकते हो सो फोर्टीन क्वेश्चन ये था लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वॉट वॉज द कंडीशन इम्पोज अपॉन द सोर्स ऑफ द सीड क्या जो है कंडीशन दिखाई गई है इस सीड्स में मतलब इस इसमें क्या स्रोत बताया गया जो सीड जिसके बारे में कहा है वो किस चीज के लिए है टू बोरो टू बी बोरो फ्रॉम अ मैन टू बी बोरो फ्रॉम अ वुमन टू बी बोरो फ्रॉम अ चाइल्ड मैन ऑफ दी अबव तो भाई देखो जो कंडीशन दी गई थी कि जो सीड्स लेकर आने हैं तो कहाँ से लेकर आने हैं एक मैन से लेकर के आने हैं एक वुमन से लेकर के आने हैं एक चाइल्ड से लेकर के आने हैं नहीं उन्होंने ऐसा बोला था कि जिसकी कोई जहाँ कहीं कोई डेथ नहीं हुई हो

उनकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है उनका ब्रेन जो है वो काम करने लग जाता है या फिर मैन ऑफ दबोव तो जब भी वो एक्साइटेड हो जाते हैं तो स्टार्ट कर देते हैं रनिंग करना सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू हुक्टवीन लॉन्बो लॉन्बो एंड नतालिया इमोशनली कौन जो है स्क्विज होता है लॉन्गो और नतालिया के इमोशन के बीच में नतालिया के पापा नतालिया की मम्मी नतालिया की भाई नतालिया की आंटी नतालिया so, के फादर जो हैं वो जा, वो स्क्वीज्ड होते रहते हैं मतलब निचोड़े जाते हैं की जो थी थी वो कितनी थी? 100 rubles, 200 rubles, 300 rubles, या फाइव हंड्रेड रूबल्स थ्री हंड्रेड रूबल्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हु गेव द मेडोज टू नतालिया के पापा को किसने मेडोज दिए थे आंट्स ग्रैंड मदर ऑफ की जो ग्रैंड मदर की जो आंटी वंटी है उन्होंने दिए थे ग्रैंड फादर या सिस्टर या फिर ब्रदर तो आपको तो ध्यान रखना है ये ग्रैंड मदर वाला वर्ड आया था वहां पर सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट इज द डिस्प्यूट ओवर किसके ऊपर जो है ये डिस्प्यूट चल रहा था तो वो क्या था ओवर ऑक्सन ओवर पिक्स ओवर बफेलोज या नन ऑफ मेडोज जो है उनके ऊपर ये सारी चीजें चल रही थी ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स विच लैंड अबाउट किस चीज के किस लैंड के ऊपर वो फाइटिंग ए इज राइट आंसर ऑक्सन मेडोज है उनके ऊपर इनकी फाइटिंग चल रही थी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन अकॉर्डिंग टू लॉन्ग वो वॉट अमाउंट वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग स्क्वीजर लॉम्बो के अकॉर्डिंग एक स्क्वीजर जो है उसको बाय करने का ऑलमोस्ट कितना जो है मनी चाहिए होगा तो सिक्सटी रूबल्स थर्टी फाइव रूबल्स ट्वेंटी फाइव रूबल्स या फिर फोर्टी रूबल्स ट्वेंटी फाइव रूबल्स रूबल्स क्या बोलते हैं इसको ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है ध्यान रखना इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर एट द प्ले इज सेट इन विच कंट्री ये प्ले जो है वो किस कंट्री में प्ले किया गया है मतलब किसके ऊपर सेट है ये इंडिया फ्रांस रशिया या फिर जापान सो राइट आंसर इज रशिया ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट हैड नतालिया नींग डूइंग वैन लॉन्गो कॉल्ड फॉर हर नतालिया क्या कर रही थी जब लॉन्गो ने उसको बुलाया तो घर की सफाई कर रही थी कपड़े धो रही थी शेलिंग पील्स मटर छील रही थी या फिर कुकिंग फूड खाना बना रही थी तो शेलिंग पीस यानी कि मटर छील रही थी जब लॉन्गो ने उसको बुलाया था सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन वॉट डू दे आर्ग्यू अबाउट आफ्टर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड दोनों जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके किस बारे में लड़ रहे थे डॉग्स के 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 लिए 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 लैंड मैरिज मैरिज वेन्यू या फिर के लिए सो राइट आंसर इज डॉग कुत्तों के लिए लड़ रहे थे वो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन वट वॉज द टॉपिक ऑफ द सेकेंड आर्ग्यूमेंट सेकेंड आर्ग्यूमेंट पहला तो भाई मेडोज ऑक्सन मेडोज के ऊपर था उनकी लड़ाई सेकंड टॉपिक क्या लड़ाई पे था लैंड के ऊपर था प्रपोजल के ऊपर था डॉग्स के ऊपर था, था या नन के ऊपर था तो नेक्स्ट जो टॉपिक उनकी लड़ाई का था वो था डॉग्स के ऊपर तो वो दोनों रिएक्ट वेन हर फादर टोल्ड रोम्बो वॉज हेयर टू प्रपोज हर जब नतालिया को पता चला कि जो लॉम्बो है वो उसके लिए प्रपोजल लेकर के आया है तो उसने कैसे रिएक्ट किया तो वो गुस्सा हो गई शी सेंड हर फादर टू गेट हिम उसने अपने पापा को बोला कि जाओ उसको बुला के लाओ शीज अमेज या फिर वो बहुत ज्यादा अरे यार मेरे लिए रिश्ता आया है तो गुस्सा तो नहीं हुई थी लेकिन हाँ ये दो चीजें हुई थी कि उसने अपने पापा को बोला कि जाओ जाकर के लेके आओ उसको जिसको आपने वो मेरे लिए आया था और आपने उसको बता दिया सो डी इज द राइट आंसर ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डिड चुबको हैउट द लैंड चुबको ने लैंड के बारे में क्या कहा दे वर हिज उसने ये कहा कि ये हमारी है दे वर लॉन्बोज उसने ये कहा कि वो लॉम्बोस की है दे वर स्टिल डिस्प्यूटेड उसने अभी तक भी ये बात जो है कहा कि अभी भी वो डिस्प्यूट है या दे बिलोंग टू नन ऑफ देम या फिर उसने कहा कि अरे ये हम दोनों की नहीं है तो उसने कहा दे वर हिज उसने कहा ये जो है हमारी है दे वर हिज की ये जो लैंड है वो हमारी है और यही चीज उन्होंने मतलब लैंड के बारे में कही थी चुभकों ने सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर

इसी चीज को वो स्टैंड करती थी सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट तो ये तो क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं ऑप्शन मेडोस ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी पूरी बुक भी कंप्लीट होती है फर्स्ट फ्लाइट ठीक है तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है चैप्टर को रीड करके जाना है क्योंकि अगर चैप्टर रीड करोगे तो आपके पास वो कैप्स आएंगी आप उससे अपना आंसर जो है बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाओगे सो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर